करीब 18 साल पुराना साथ छोड़ कांग्रेस लीडर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी का दामन थाम लिया। सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद उनके भविष्य को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जाने लगी। बीजेपी में शामिल होते ही उन्हें राज्यसभा का टिकट दे दिया गया। हालांकि कोविड-19 वायरस की वजह से राज्यसभा की खाली सीटों के लिए चुनाव नहीं हो सका। इधर सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए और उधर मध्य प्रदेश से कांग्रेस की कमलनाथ सरकार भी गिर गई। शिवराज सिंह फिर से मुख्यमंत्री बने और सिंधिया खेमे के लोग भी उनके मंत्रिमंडल में शामिल हुए। गोविंद सिंह राजपूत सिंधिया समर्थक हैं और शिवराज सिंह चौहान की सरकार में खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं। राजपूत की एक मांग से मध्य प्रदेश की सियासत फिर गर्मा गई है। गोविंद सिंह राजपूत ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्र में मंत्री बनाए जाने की मांग की है। राजपूत की इस मांग पर केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने भी प्रतिक्रिया दी। प्रहलाद सिंह पटेल गुरुवार को दमोह से सड़क मार्ग से दिल्ली जा रहे थे। इस दौरान वो ग्वालियर में रुके। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी ग्वालियर से ही आते हैं। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्र में मंत्री बनाए जाने की मांग पर जवाब दिया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि बीजेपी में मांग से लोग मंत्री नहीं बनते, ये हमारी परंपरा नहीं है। उन्होंने ये मांग की कि सिंधिया को जल्द से जल्द केंद्रीय मंत्री बनाया जाना चाहिए। नहीं, मुझे लगता है कि गोविंद सिंह जी ने मांग की है तो वो बात हाईकमांड तक पहुंचेगी। आपका क्या राय है सर? मुझे लगता है कि बीजेपी की पर पार्टी नहीं है कि आप किसी का नाम उछाले। हमारे यहाँ ये परंपरा नहीं। प्रहलाद सिंह पटेल से जब ये पूछा गया कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्र में मंत्री बनाया जाना चाहिए, इस पर प्रहलाद पटेल ने चुप्पी साध ली। उन्होंने कहा कि अभी केंद्र और प्रदेश की सरकार का फोकस कोरोना से जंग पर है, इसके लिए हम जरूरी कदम उठा रहे हैं। गौरतलब है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से 18 साल पुराना रिश्ता तोड़कर 11 मार्च को बीजेपी में शामिल हो गए थे।